बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल के करियर को नया स्टार्ट मिल गया है। उतार चढ़ाव भरे करियर में एक्टर ने कई रोल किए, लेकिन उन्हें हाल ही में असल पहचान वेब सीरीज आश्रम के बाबा निराला के किरदार ने दिलाई। इसके बाद उनके हाथ एनिमल लगी। इस फिल्म से दोबारा एक्टर की किस्मत चमक गई। इस फिल्म के हिट होने के बाद ही एक्टर को एक के बाद एक नए और अच्छे रोल्स ऑफर होने लगे। बिना डायलॉग वाले 10 मिनट के रोल में भी बॉबी देओल छाए नजर आए हैं। अब एक्टर सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं और उन्होंने हाल ही में अपने नए लुक की झलक अपने फैंस के साथ शेयर की है। फिल्म एनिमल में धूम मचाने वाले बॉबी देओल ने अपने फैंस के साथ अपना नया लुक शेयर किया है। उनकी ड्रेस और हेयर स्टाइल ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। बॉबी देओल के इंस्टाग्राम पर 3.1 मिलियन फॉलोअर्स है। उन्होंने अपने फैंस के लिए एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्हें व्हाइट वी नेक शर्ट पहने देखा जा सकता है। उन्होंने इसे काले ब्लेजर और मैचिंग पैंट्स के साथ पेयर किया है। बॉबी ने अपने किलर लुक को लॉकेट और ट्रांसपेरेंट चश्मे के साथ कंप्लीट किया है। लुक का सबसे आकर्षित हिस्सा उनका हेयर स्टाइल है जिसे उन्होंने साइड ब्रेड के साथ बन बनाकर टाई किया है। इस वीडियो पोस्ट के कैप्शन में बॉबी देओल ने लिखा, जस्ट आउट हेयर लिविंग इन द मोमेंट। फैंस ने पोस्ट पर अपने रिएक्शन भी शेयर किए हैं। कई फैंस फायर इमोजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कई यूजर्स ने उन्हें हैंडसम बताया है। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, मोस्ट हैंडसम मोस्ट लव्ड, तो वहीं दूसरे ने कहा, वन ऑफ योर बेस्ट लुक। एनिमल के बाद अभिनेता के पास पाइपलाइन में एक दो नहीं बल्कि कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। एक्टर तमिल भाषा की एक्शन फिल्म कंगवा में भी नजर आएंगे। इस फिल्म में भी उनका ग्रे किरदार होने वाला है। फिल्म में उनका खतरनाक लुक भी सामने आ चुका है। दिशा पाटनी और सूर्या भी इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाते नजर आएंगे। तेलुगु फिल्म हरिहर वीरा मल्लू में भी बॉबी देओल नजर आने वाले हैं। NBK 109 भी पाइपलाइन में है। इसके अलावा एक्टर आश्रम वेब सीरीज के अगले सीजन में भी नजर आएंगे जिसमें वो बाबा निराला बने दिखाई देंगे। इस साल सीरीज के रिलीज होने की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में फैंस को इस साल बॉबी देओल काफी सरप्राइज करने वाले हैं। एक्टर को दर्शकों से बहुत प्यार मिल रहा है जिसे वो काफी पसंद कर रहे हैं। यही वजह है कि वो कई मौके पर इमोशनल भी हो जाते हैं।